श्रीलंकन नेवी के जबरदस्त सुरक्षा के घेरे में छिपे हुए हैं राष्ट्रपति गोटबाया। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले, गोटबाया को त्रिकोमाली पोर्ट सिटी की तरफ ले जा सकती है नेवी। पोर्ट ऑफ कोलंबो से गाजा बाहु नेवी शिप से निकाला गया राजपक्षे को। त्रिकोमाली में ही गोटबाया के भाई पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे के छिपे होने की खबर। ब्रेक करें इस खबर को सीधे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कहाँ छिपे हुए हैं, इसको लेके सस्पेंस गहराता जा रहा है। इस बीच एक बहुत ही पुख्ता जानकारी सामने आई है और उसके मुताबिक श्रीलंका की नेवी के ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे में गोटाबाया राजपक्षे छिपे हुए हैं। और देखिए, हम पोर्ट ऑफ कोलंबो के एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ देखिए, जगह जगह लिखा है गो होम गोटा, ये नारे लगे हुए हैं यहाँ पर। और उसी पोर्ट ऑफ कोलंबो से जहाँ पर उन जहाँ के एकदम नज़दीक में गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ जन विद्रोह का सैलाब उमड़ रहा है, उसी पोर्ट ऑफ कोलंबो से गजाबाहु नाम के नेवी के शिप से उनके निकलने की जानकारी आई है। उनके साथ उनके परिवार के लोग हैं, काफ़ी कीमती सामान भी वे अपने साथ ले गए हैं और त्रिकोमाली की ओर ये शिप मूव कर रहा है, जानकारी मिली है। मैं सीधे चलूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, यानी कि यह समझा जाए कि उनका कंट्रोल अभी आर्म्ड फोर्सेस पर है। पूरी तरह से आर्म फोर्सेज उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जो यहाँ से जानकारियाँ मिल रही हैं। और देखिए, नेवी महत्वपूर्ण ये है इसलिए है क्योंकि नेवी ने ही महिंद्रा राजपक्षे उनके भाई जो कि यहाँ के पीएम थे, नेवी ने ही उनको सेफ एग्जिट दिया था, नेवी ने ही उनको यहाँ सुरक्षित रखा था। और उसके बाद त्रिकोमाली में जो जानकारी मिल रही है वो नेवी के ही का वहाँ का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर वो शरण लिए हुए हैं और वहीं पर ले जाया गया है गोटाबाया राजपक्षे को भी। तो और यहाँ पर आर्मी का भी सपोर्ट है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है यहाँ की आर्म फोर्सेस को भी कि पब्लिक का ये जो सैलाब है ये उनको दिख रहा है। इसीलिए जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था निशान, जिसका आपने अपने शो में जिक्र किया था, उसके बाद आर्मी ने सफाई दी और कहा है कि हमने किसी को टारगेट करके गोली नहीं चलाई थी, हमने सिर्फ हवा में गोलियाँ चलाई थी। तो आर्मी अभी यहाँ जो है ये जो है, और ये देखिए जो बौद्ध भिक्षु आपको दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है श्रीलंका की, बौद्ध भिक्षु जो आपको जाते हुए दिख रहे हैं। इसके चलते आर्मी भी थोड़ा सेंसिटिव है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रही है जिससे पब्लिक और भी ज्यादा उत्तेजित हो। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए।